दोस्तों, महापुरुष अक्सर अपनी बात कहानियों के माध्यम से कहा करते थे, क्योंकि उन्हें पता होता था कि अगर किसी को सीख दी जा सकती है तो वो कहानियों के माध्यम से बहुत आसान तरीके से दी जा सकती है। अगर ऐसे ही कोई ज्ञान की बात करता है तो आदमी उतना ध्यान लगाकर नहीं सुनता जितना कि कहानी में सुनता है। तो दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी भगवान बुद्ध की मैं सुनाने वाला हूँ, जिसे सुनकर आपका मन हर काम में लगने लग जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको इस कहानी को आखिर तक सुनना पड़ेगा। तो अपने सभी काम पहले खत्म कर लें और एकदम खाली मन से बैठ जाएं, क्योंकि ज्ञान खाली मन से ही लिया जा सकता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गुरु अपने शिष्यों को ध्यान साधना सिखा रहे थे। तभी एक शिष्य बोल उठा, गुरुजी, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? गुरु ने कहा कि हाँ, पूछ सकते हो। शिष्य ने कहा कि जब मैं पानी पीता हूँ तो मेरी प्यास बुझ जाती है, या कोई भी पानी पीता है तो प्यास बुझ जाती है, तो ये ध्यान के संबंध में क्यों नहीं होता? जब हम आपके कहे अनुसार ध्यान लगाते हैं तो हम में से कोई पहले, कोई बाद में, तो कोई कभी भी ध्यान की स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसा क्यों होता है? जैसे पानी से सबकी प्यास बुझ जाती है, वैसे ही ध्यान से सबके ज्ञान चक्षु खुल जाने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। गुरुजी ने कहा कि कल हमें किसी ने भोजन पर आमंत्रित किया है, कल तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर वहीं पर दूंगा। अगले दिन दोनों गुरु शिष्य भोजन के लिए एक धनी आदमी के घर पहुंचे। धनी आदमी की पत्नी ने उन्हें भोजन पर बुलाया था। दोनों भोजन करने बैठ गए। उन्हीं के साथ वो स्त्री का पति भी भोजन करने बैठा हुआ था। उसने अपने सभी नौकरों पर चिल्ला कर कहा कि ये क्या बेकार सा भोजन बना रखा है, इसमें कोई स्वाद नहीं है। वो भोजन की थाली फेंक कर नौकरों से कहता है कि जाओ, दोबारा से ढंग का भोजन बना कर लाओ। उस धनी आदमी की पत्नी दोनों गुरु शिष्य से क्षमा मांग कर उन्हें भोजन परोसने लगी। दोनों ने भोजन किया, लेकिन गुरु ने अपनी थाली में दो रोटी छोड़ दी। गुरु ने उस स्त्री से कहा कि बेटी, क्या तुम मुझे ये दो रोटी बांध कर दे सकती हो? स्त्री ने उन दोनों रोटियों को बांध कर दे दिया। उसके बाद दोनों वहां से निकल गए। रास्ते में गुरु ने शिष्य से पूछा कि तुम्हें भोजन कैसा लगा? शिष्य ने कहा, भोजन स्वादिष्ट था, मुझे तो पसंद आया, मुझे भोजन करके बहुत अच्छा लगा। गुरु ने पूछा कि इससे अधिक तुम्हें और कुछ नहीं लगा? शिष्य ने कहा, इससे अच्छा और क्या लग सकता है गुरुदेव, मेरी भूख मिट गई और मेरा पेट भर गया। गुरु ने कहा कि भोजन तो अच्छा था, फिर उस स्त्री के पति को भोजन पसंद क्यों नहीं आया? भोजन तो अच्छा बना था और भोजन तो एक ही था, तब उसे पसंद क्यों नहीं आया? शिष्य ने कहा कि आप ठीक कहते हैं गुरुदेव, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ, आप ही कुछ बताएं। गुरु ने कहा, अभी तुम मेरे साथ आगे चलते रहो। गुरु शिष्य चलते चलते बहुत दूर निकल आए। शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, हम हमारे आश्रम के मार्ग पर तो नहीं हैं, फिर हम कहाँ जा रहे हैं? गुरु ने कहा, बस चलते रहो। बहुत दूर चलने के बाद एक फटेहाल आदमी गुरु के सामने आ गया और उनके चरणों में गिर गया और बोला, हे परमात्मा, मेरी मदद करो, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया है, आप कृपया करके मुझे कुछ खाने को दे दें। गुरु ने उस आदमी को एक पेड़ के नीचे बैठाया और उन दो रोटियों को निकाल कर उसे दे दिया जो उस महिला ने उसे दी थी। रोटियों को देखते ही उस गरीब आदमी की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत उन दो रोटियों को खा लिया। खाते समय उस आदमी की आंखों से आंसू निकल आए। वो रो रहा था और खाता जा रहा था और हाथ से इशारे कर रहा था, जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति को कह रहा हो कि तेरा धन्यवाद इस रोटी के लिए। खाने के बाद उसने गुरु को प्रणाम किया और धन्यवाद कहा। गुरु ने उस आदमी से पूछा कि भोजन का स्वाद कैसा था? उसने कहा, स्वाद स्वाद तो कहीं था ही नहीं, केवल जीवन था परमात्मा और ईश्वर का। ये रोटियां नहीं थी, ये तो साक्षात जीवन था। ये कहकर वो आदमी वहां से चला गया।
गुरु ने शिष्य से कहा, देखो भोजन वही था लेकिन एक आदमी को उसमें स्वाद ही नहीं आया। तुम्हें इसमें स्वाद आया और तुम्हें ये भोजन पसंद आया, लेकिन वहीं इस आदमी को इस भोजन में स्वाद नहीं आता, बल्कि वो इसमें ईश्वर, परमेश्वर और जीवन को देख लेता है। इससे पता चलता है कि आदमी और भोजन की तृप्ति में भी अंतर है। पहले आदमी को इसमें कोई तृप्ति नहीं होती, तुम्हें थोड़ी तृप्ति होती है और इस आदमी को अनंत तृप्ति होती है। ऐसा ही ध्यान के संबंध में होता है। जिसको जितनी ज़्यादा प्यास होती है वो उतनी ही जल्दी मार्ग बना लेता है। उस शिष्य की जिज्ञासा का समाधान हो गया था, उसके प्रश्नों का उत्तर उसे मिल गया, लेकिन हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। प्रश्न था कि मन क्यों नहीं लगता। जो लग जाए वो मन नहीं है, मन का स्वभाव ही है भागना। जब हमारे पास कोई चीज़ अत्यधिक होती है तब मन उससे भागने लगता है, जैसे उस धनी आदमी का मन जो उस भोजन से भाग रहा था जो उसके लिए एक आम बात थी। लेकिन जब कोई चीज़ हमारे पास सीमित मात्रा में होती है और हमें मिल भी जाती है तब हमारा मन उससे जुड़ा रहता है और हम उस चीज़ की थोड़ी बहुत अहमियत भी रखते हैं। जैसे उस शिष्य का मन जो उस भोजन से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ था तो उसने उस भोजन के स्वाद को भी जाना। लेकिन जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है और वो हमारे पास नहीं होती तो पहले हमारा मन उस चीज़ के लिए बहुत लालायित रहता है, वो हर हाल में उसे पाना चाहता है। लेकिन जब कोई चीज़ प्राणों से जुड़ी हो, जैसे कि वो दो रोटी, और जब बात प्राणों पर आ जाए तब मन गायब हो जाता है। तब आप स्वाद नहीं देखते, भोजन का प्रकार नहीं देखते, तब आपको सिर्फ भोजन चाहिए होता है। तब आप एकाग्र हो जाते हैं, भोजन के लिए जो मिले उसी में आपको आनंद आ जाता है। स्वाद हो या ना हो आपके प्राण अंतर तक उसे स्वीकार कर लेते हैं, और ये तब होता है जब मन नहीं होता। हम हमारे मन को लगाने की बहुत कोशिश करते हैं, कुछ पढ़ाई में लगाने की कोशिश करते हैं तो कुछ अपने काम में लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि मन कहीं नहीं लगता और ये लग भी नहीं सकता, क्योंकि इसका काम किसी चीज़ में लगना है ही नहीं, बल्कि इसका काम है आपको भगाना इधर से उधर। एक चीज़ आपको मिली तो दूसरी चीज़ पर ले जाना, दूसरी चीज़ मिली तो तीसरी पर ले जाना। मन संतुष्टि को जानता ही नहीं है, ये केवल पाना जानता है, पाने के बाद भूल जाना जानता है। जो मिल गया है उसे छोड़ देने की आदत होती है, जो छूट गया है उसे फिर से पा लेने की आदत मन की होती है। अपनी ज़िंदगी के पिछले हिस्से को देखो और जानो कि क्या आपका मन कहीं लगा है, कहीं रुका है, या ये केवल आपको अभी तक भगाए ले जा रहा है और आप भाग रहे हैं। अब सवाल आता है कि अगर मन का काम भागना या भगाना है तो क्या जिंदगी भर हम भागते ही रहेंगे, क्या हम कहीं नहीं रुकेंगे? ध्यान से देखो तो जिंदगी ऐसी ही है, जन्म से लेके मृत्यु तक इंसान भागता ही रहता है, कभी किसी चीज़ के पीछे तो कभी दूसरी चीज़ के पीछे। लेकिन फिर भी कुछ इंसान अपवाद हो जाते हैं और वो ठहर जाते हैं, भागना बंद कर देते हैं, तब चीज़ें उनके पीछे भागने लगती हैं। वो किसी चीज़ के पीछे नहीं भागते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गौतम बुद्ध। हम आम लोग कैसे अपने जीवन में ठहराव ला सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में एकाग्रता ला सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं? और इसका एक ही रास्ता है और वो है ध्यान। मन भागता है, ध्यान ठहराव लाता है। मन लालच देता है, ध्यान लालच को देखने की दृष्टि देता है। मन कहता है दूसरी चीज को पकड़ ले, ध्यान कहता है जो मिला है उसे तो जान ले। ध्यान एकाग्रता लाता है, लेकिन ध्यान को लेकर भी हम भ्रमित रहते हैं। ध्यान का मतलब आंखें बंद करके बैठ जाने को ही समझ लेते हैं। एक छोटी बच्ची बहुत अच्छी बांसुरी बजाती है और जब बांसुरी बजाती है तब उसके सुर में खो जाती है, तब उसका मन गायब हो जाता है, उसके प्राण केवल उस बांसुरी की धुन में ही रम जाते हैं और वही उसका ध्यान बन जाता है।
लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस लड़की को उस बांसुरी में रस आता है, आनंद आता है, यही उसकी प्रकृति है। वो वही कर रही है जो वो कर सकती है, जिसमें उसको आनंद आता है। एक अध्यापक है जो अपने छात्रों को पढ़ाता है तो उसमें खो जाता है। वो अपने प्राणों से उस पढ़ाने का आनंद लेता है, उसमें उसकी रुचि है, यही उसकी प्रकृति है। जब वो पढ़ा रहा होता है तब उसके मन में कोई हलचल नहीं होती। वो ना तो तब भूतकाल की सोचता है ना भविष्यकाल की, वो केवल वर्तमान के क्षण में रहता है और यही उसका ध्यान होता है। जो आदमी जो है अगर वही पूरी तरह से होने लगे तो ध्यान स्वतः घटित होने लग जाएगा, वो एकाग्र होने लग जाएगा। लेकिन जब आदमी कुछ होने की कोशिश करता है तो उसका मन हावी होने लगता है, एकाग्रता टूट जाती है और तब हम भागते रहते हैं, सब कुछ पा लेते हैं तब भी सोचते हैं कि कुछ रह गया है। और ये अधूरापन कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि जो आप हो सकते थे, जो आपकी प्रकृति थी, वो आप नहीं हुए, बाकी सब कुछ हो गए। ऐसे ही आप हमेशा अधूरे रह जाते हैं, तब मन कहीं नहीं लगता। मन की प्रकृति लगने की है ही नहीं तो लग कैसे सकता है? जो लगता है वो एकाग्रता है, वो ध्यान है। और जहां आपको एकाग्रता मिल जाए, समझ लेना, वही आपके लिए बना है, जिस पर चलकर आप संपूर्ण हो सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ और बातें सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।